मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस के सिद्धांतों और कांग्रेस को डिसिप्लिन को सर माथे पर रखकर चलता हूँ। तो जब वहां पर हंगामा हुआ और वहां पर एक किसी व्यक्ति ने जो है आपत्ति जताई, मैं कैंपेन कमेटी का सदस्य हूँ, उसके बाद ये किसी व्यक्ति ने मेरे मंच पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को कतरास और करकेंद नेहरू पार्क में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल पुटकी नेहरू पार्क में कांग्रेस पार्टी का जनसंवाद अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के स्वागत कार्यक्रम के बाद यह हंगामा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के सामने ही कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता आपस में भिड़े दिखे। नेताओं के समर्थकों द्वारा अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबोधकांत सहाय लोगों को समझाते रहे मगर कार्यकर्ता नहीं माने। सभी कांग्रेस नेता अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की होड़ मचाए हुए थे। एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी होती रही। इस घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने निंदा करते हुए कहा कि जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ है। हम लोग जनसंवाद करने के लिए मंच पर उपस्थित हुए थे, मगर यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। वहीं अनुशासन समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि दोपहर 1 बजे नेहरू पार्क में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दावेदार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान मंच संचालक झारखंड चुनाव अभियान समिति के सदस्य मयूर शेखर झा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए। वे बोलना कुछ शुरू करते तभी उनके विरुद्ध नारे लगने लगे। यह देख मयूर शेखर झा मंच से उतरकर कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए और उनके साथ आए लोग भी पीछे पीछे निकल गए। सभा स्थल खाली हो गया। इस संदर्भ में मयूर शेखर झा ने कहा कि कार्यक्रम में चुनाव अभियान समिति के सदस्य के नाते गया था। पुकारे जाने के बाद मैं मंच पर गया था, विरोध देख कार्यक्रम में चला गया। मेरे साथ मेरे समर्थक भी कार्यक्रम से निकल गए। हालांकि मयूर शेखर झा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक अनुशासनबद्ध पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में सुबोधकांत सहाय ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एवं अन्य तमाम शीर्ष नेताओं का जो मैसेज लेकर के आए थे, वो धनबाद के लोगों के बीच और धनबाद की जनता के बीच, सर्वसाधारण के बीच अच्छे तरीके से उसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए वो कटिबद्ध हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कोशिश किया गया। मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस के सिद्धांतों और कांग्रेस को डिसिप्लिन को सर माथे पर रखकर चलता हूँ। तो जब वहां पर हंगामा हुआ और वहां पर एक किसी व्यक्ति ने जो है आपत्ति जताई, मैं कैंपेन कमेटी का सदस्य हूँ, उसके बाद ये किसी व्यक्ति ने मेरे मंच पर होने की प्रति जब आपत्ति जताई, तो वहां पर मैंने यही कहा कि भाई ये कार्यक्रम होना चाहिए। जो मैसेज केशव महतो कमलेश जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो मैसेज लेकर सुबोधकांत सहाय जी आज हम लोगों के बीच में आए हैं, वो मैसेज लोगों के बीच जाना चाहिए। ये सर्वोपरि है, ये सबसे जरूरी है। आपसी लड़ाइयां निपटाने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। और बात खराब ना हो, मेरे पास खबर आई थी कि बागमारा में भी जो है कुछ ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी घटना हो गई थी। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं बने, इसलिए मैंने वहां पर निर्णय लिया कि अगर मेरे बोलने या ना बोलने के बीच में वो पूरा का पूरा डिबेट वहां पर हो रहा है, और मेरे वहां पर हजारों समर्थक थे, उन लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा होगा इस चीज़ का, लेकिन मैंने वहां पर निर्णय लिया कि हम गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आज का मूल उद्देश्य था कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केशव महतो कमलेश जी, हेमंत सोरेन जी का जो मैसेज लेकर सुबोधकांत सहाय जी आए हैं, वो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए था। तो ये कार्यक्रम अच्छे से हो पाए, कार्यक्रम सुचारू रूप से हो पाए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद मंच से निकल जाता हूं और कार्यक्रम जो सुचारू रूप से हो जाए। मैं उस स्थिति में मैं मंच से निकल गया। मैंने किस जो लोगों को अपील भी किया कि आप लोग यहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम सुनकर जाइएगा, पर मुझे बताया गया कि भाई उसके बाद फिर मैदान से भी लोग निकल गए। लेकिन ये जो कैंपेन कमेटी की मीटिंग थी, कैंपेन कमेटी की मीटिंग सफल हुई है। यहाँ पर मीटिंग अच्छे से हुई है। सुबोधकांत सहाय जी सर्वमान्य नेता हैं झारखंड कांग्रेस के, हम सबके अभिभावक। आप कह रहे हैं कि सफल हुई है, लेकिन आपके जाते ही सारी कुर्सियाँ खाली हो गई, तो इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, ये मेरे पास वहाँ पर जो है बड़ा ही कठिन प्रश्न था उसमें कि अगर मैं वहाँ पर मंच पर खड़ा रहता तो वहाँ पर स्थिति मेरे हाथ से भी निकल जाती। और कई बार क्या होता है कि काफी युवा वर्ग मेरे समर्थन में वहाँ पर था, और कई बार क्या होता है कि जब समर्थक उग्र हो जाते हैं तो कई बार चीज़ें आपके हाथ से भी निकल जाती हैं। तो वहाँ पर मेरे सामने दो ही उपाय था। वहाँ पर मुझे लगा कि इस वक्त समझदारी यही है कार्यक्रम सुचारू रूप से चलने के लिए, मुझे मन से उतर जाना चाहिए और मुझे जो है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मैंने यही किया। लोग निकल आए, मुझे शायद वहाँ पर खड़े होकर अपील करना चाहिए था लोगों को वहाँ पर रहने के लिए, मेरे समर्थक थे,
तो ये ठीक है, ये तो जो हुआ हुआ, लेकिन कार्यक्रम अच्छा हुआ और अच्छे कार्यक्रम की बधाई हो मीडिया वहाँ पर थी। मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो मैसेज सुबोध कांत सहाय जी लेकर आए थे, आज का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुबोध कांत सहाय जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का और झारखंड सरकार का जो मैसेज लोगों के बीच लेकर आए थे, जो हमारे कामों का बखान लेकर लोगों के बीच आए थे, जो कई काम नहीं हो पाए आगे, जो जिन कामों है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपके सामने आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आपके सामने जाके विरोध कर रहे हैं। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ। ये घटना कहीं नहीं हुई है, यहाँ हुई है। ये जो मैं समझता हूँ कि ये संगठन के लिए जरूरी है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये कब तक गुटबाजी खत्म होगी सर? ये कांग्रेस की गुटबाजी कब तक खत्म होगी? देखिए, राहुल गांधी को जो ऐसा नेता है, उनको पता चले कि चुटकी में सबको निकाल के, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने गैर जिम्मेदार होने पर निकाल के, बड़े बड़े आपके सामने गवाह बहुत सारे हर प्रदेश के कैप्टन अमरिंदर जैसे लोगों को एक चुटकी में निकाल दिया। राहुल गांधी एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह देश के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें इस तरह के फुटपथ की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आज जो हुआ है यहाँ पे मंच पे, क्या करें, पार्टी सबसे बड़ा है, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी में सभी सिपाही हैं, हमारे खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता है, और जो अनुशासनहीनता करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। धन्यवाद। क्योंकि आज तक राजनीति आप लोगों ने किया और आज जब 50 कितने नहीं बचे हैं आपके युवाओं के, 50 कितने नहीं बचे हैं, अगर आपकी ताकत ये है, इतनी बड़ी चुनौती राष्ट्र की अपनी सरकार को 50 जिंदाबाद नहीं करेगा। जहाँ चिटन हुआ, हम एक हैं, हम जीतेंगे।